गाइस ये जो आपको सामने घर दिख रहा है इसी घर में अजय देवगन रहते हैं। दोस्तों ये है हमारे बॉलीवुड के सुपरस्टार अभिनेता अजय देवगन एंड काजोल मैम का घर। जी हैं गाइस इसी घर में अजय देवगन एंड काजोल मैम वो अपनी पूरी फैमिली के साथ रहते हैं गाइस। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है एस्टन जो कि इस घर का नाम गाइस। और इसी घर में अजय देवगन हाल ही में वो अपनी पूरी फैमिली के साथ शिफ्ट हो चुके गाइस। पहले दूसरे घर में रहा करते थे पर वो घर अभी रिपेयरिंग में चल रहा है इसलिए अजय देवगन वो अपनी पूरी फैमिली के साथ इस घर में शिफ्ट हो चुके गाइस। और ये बंगला भी काफ़ी शानदार देखने में लगता है, देख सकते हैं ये बंगला बहुत ही बड़ा है और साइड से जो ग्रीनरी लगा जो कि काफ़ी अमेजिंग देखने गाइस लगता है, देख सकते हो गाइस। मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाता हूं, देख सकते हो गाइस। आपको बता दो अजय देवगन के पास जू में दो बंगले हैं पर जिस बंगले में पहले रहा करते थे उस बंगले का भी काम चल रहा है, उसमें रिपेयरिंग हो रहा है इसलिए अजय देवगन वो अपनी पूरी फैमिली के साथ इस बंगले में रहने आ चुके हैं गाइस। और ये बंगला हाल ही में अजय देवगन नया खरीदा है गाइस, इस बंगला का प्राइस है 60 करोड़। और ये बंगला देख सकते हो इस बंगला भी काफ़ी शानदार देखने में लगता है जो कि देख सकते हो साइड से जो ग्रीन कलर का दीवाल पे ढका गया ना प्रोथिन से जो कि बहुत ही अच्छा देखने को ऐसा लगता है। और ये बंगला भी काफ़ी शानदार देखने में लगता है गाइस। और इनके जस्ट बगल में देख सकते हो वो है सनी पाजी का घर, उसी में सनी देवल एंड बबी देवल एंड धर्मेंद्र पाजी वो अपनी पूरी फैमिली के साथ रहते हैं। आप यहाँ पे इनका भी घर दिख जाएगा और देख सकते हो यहाँ पे अजय देवगन सर का घर। गाइस आपको बता दूं अजय देवगन की कुल संपत्ति करीब 295 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है, वहीं उनकी महीने की सैलरी करीब 3 करोड़ से भी ज्यादा है गाइस। और इसी घर में अजय देवगन वो अपनी पूरी फैमिली के साथ रहते हैं गाइस, देख सकते हो गाइस। मैं आपको थोड़ा पीछे साइड से दिखा रहा हूँ ये बंगला कितना शानदार देखने में लगता है जो कि देख सकते हो व्हाइट कलर का जो पेंट है जो कि काफी अच्छा देखने में लगता है। तो गाइस आपको ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।